नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त प्रांशु और लेकर आया हूं एक नया वीडियो आप सभी के लिए। आज का वीडियो दोस्तों होने वाला है एक अनबॉक्सिंग वीडियो, और ये पार्सल मुझे आज मिला है फर्स्ट क्राई की तरफ से। इन कॉमिक्स को मैंने firstcry.com से ऑर्डर किया है। काफ़ी अच्छे डिस्काउंट्स उस पर अवेलेबल चल रहे हैं, आप भी एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और मोस्टली राज कॉमिक्स बाई मनोज गुप्ता की रीप्रिंट करी हुई कॉमिक्स ज़्यादा अवेलेबल हैं उन पर। तो आप अगर अपना कलेक्शन पूरा करना चाह रहे हैं या अपना कलेक्शन बढ़ाना चाह रहे हैं तो एक बार ज़रूर firstcry.com को चेक कीजिएगा। दोस्तों, पार्सल तो मुझे मिल चुका था परसों, पर अनबॉक्स मैं आज करने वाला हूँ। और अनबॉक्सिंग इसका मैं इसलिए भी करना चाहता था क्योंकि मैं आपको एक बार दिखाना चाहता था कि फर्स्ट क्राई की तरफ से आने वाले पार्सल आखिर होते किस तरह से हैं। इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। कैंची मैंने ऊपर इसलिए रख दी थी क्योंकि मेरा एड्रेस और नाम वहाँ पर था, तो मैं उसको डिटेल को हाइड करके रखना चाहता था। ये आप देख सकते हैं पूरा पार्सल चारों तरफ से बिल्कुल सील्ड है अच्छी तरह से। अब चलिए इसको खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है अंदर, कौन कौन सी कॉमिक्स मैंने मंगवाई हैं। मैं खुद भी भूल गया हूँ, आजकल ऐसा होने लगा है कि मैं कॉमिक्स मंगवा लेता हूँ पर मुझे याद नहीं रहता है कि मैंने मंगवाया क्या है। वो पार्सल खोलने के बाद मुझे ध्यान आता है कि अच्छा, मैंने ये मंगवाया था। और फर्स्ट क्राई की तरफ से कॉमिक्स जितनी भी आती हैं दोस्तों इसी तरह की पैकेजिंग में आती हैं। आप अगर कुछ मंगवाएँ तो इस चीज़ को ध्यान में रखें आप भी कि अनबॉक्सिंग का एक वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करें, वो आप ही को हेल्प करेगा। क्यों करेगा ये आप देख करके समझ जाएंगे अभी तुरंत ही। ये देखिए, ऊपर गत्ते वाली जो पैकिंग है उसको मैंने फाड़ा है और तुरंत ही आपको कॉमिक्स दिखाई दे जाएंगी। कोई बबल रैप नहीं, कोई पॉलीथिन नहीं, कोई एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन नहीं है, सीधे कॉमिक्स दिखाई देने लग जाती हैं। किसी भी तरह की कोई एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन नहीं होती है। हमेशा मैं कहता हूँ ये बात कि फर्स्ट क्राई की तरफ से कॉमिक्स मंगाने में एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम, ये देखिए कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक गत्ता है, उसी के भरोसे आपकी कॉमिक्स पूरे कोरियर में ट्रैवल करती हुई आएंगी, उसी के भरोसे आपकी कॉमिक्स की सुरक्षा इस गत्ते के हाथ में है सिर्फ। इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आपकी कॉमिक्स को बचा पाए। इवन एक पॉलीथिन तक नहीं है जिसके अंदर कॉमिक्स रहें और उन पर स्क्रैचेस वगैरह ना पड़ पाएँ। तो आप देख पाएंगे दोस्तों ये कॉमिक्स मैंने मंगवाई हैं और डिस्काउंट काफ़ी अच्छा दे रहे हैं, इस वजह से ही मैंने मंगवाया था। लगभग 50% का डिस्काउंट मुझे मिल गया है। थ्रिल हॉरर सस्पेंस का एक सेट मैंने मंगवाया है, फ्रेंडी का जो कलेक्शन सेट है वो मैंने मंगवाया है, और जनरल कॉमिक्स का जो सेट है एक वो मैंने मंगवाया है। आपको दिखा देता हूँ फटाफट से क्या क्या है इसके अंदर। कुल मिलाकर के तीन सेट हैं, तीन सेट होने चाहिए, देख पाएंगे। देखिए सबसे पहले तो ये जनरल कॉमिक्स का एक सेट है जिसमें कि चार कॉमिक्स हैं, ये आपको दिखा देता हूँ। ये जनरल कॉमिक्स का सेट नंबर 1 ही है, जो शुरुआती चार कॉमिक्स राज कॉमिक्स की तरफ से आई थी जनरल कॉमिक्स में, उनका ये सेट है। आप देख सकते हैं सुस्तराम बने चुस्तराम पहली कॉमिक्स, तरुण कुमार वाही जी का लेखन है, चित्रांकन मधु जैन जी का है। बढ़िया नॉस्टैल्जिक फील देता हुआ आपको ये सेट मिलेगा। पेपर क्वालिटी भी ठीक है, कवर क्वालिटी भी ठीक है, और जिस रेट में मुझे मिले हैं वो तो बहुत ही ठीक है। वैसे उसका मूल्य 90 रुपये है पर डिस्काउंट के बाद मुझे 45 रुपये में ये कॉमिक्स मिली है। अब मुझे समझ ये नहीं आता है कि अगर सेल में ये कॉमिक्स 45 रुपये की मिल सकती है तो नॉर्मली ये कॉमिक्स 45 या 50 रुपये में क्यों नहीं आ सकती, ये मैं नहीं समझ पाया हूँ आज तक। इतना ग्लॉसी पेपर जो आप लगा रहे हैं इसको मत लगाइए, नॉर्मल पेपर लगा दीजिए, उससे रेट आपका कम हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कॉमिक्स पहुँचेंगी, रीडर्स आपके बढ़ेंगे, जो पुराने रीडर्स हैं वो भी दोबारा से कॉमिक्स लेना शुरू करेंगे। अगली कॉमिक्स काट के उल्लू, मैंने ये कॉमिक्स आज तक पढ़ी नहीं है। बेदी जी का चित्रांकन, तरुण कुमार वाही जी का लेखन, ये डेडली कॉम्बिनेशन है बिल्कुल एक कॉमिक फैन के लिए। तो ये कॉमिक्स मैंने अभी तक आज तक कभी पढ़ी नहीं है, जनरल कॉमिक्स राज कॉमिक्स की कभी भी कोई भी नहीं पढ़ी है, हालांकि अब मैंने मंगवाई हैं। इसमें भी आप देख पाएंगे पहला सेट जो था वो मैंने मंगवाया है फर्स्ट क्राई से, इसका तीसरा और चौथा सेट भी मैं मंगवा चुका हूँ, उसका भी किसी दिन मैं आपको रिव्यू करके दूंगा। और राज कॉमिक्स भाई मनीष गुप्ता की तरफ से आने वाली जो कलेक्टर एडिशन है वो भी कुछ कुछ मैंने मंगवाए हैं, उनका भी वीडियो आप बराबर से देख रहे होंगे, मेरे चैनल पर आ रहे हैं।
ये 40 पेज की कॉमिक्स है। सुना मैंने ये है कि ये सारी कॉमिक्स बहुत ही बढ़िया कहानियाँ हैं इन सभी में, तो उम्मीद यही करता हूँ पढ़ूंगा तब आपको डिटेल में कहानी के बारे में भी बता पाऊँगा। अभी तो सिर्फ मैं क्वालिटी के बारे में और बाकी सारी चीज़ों के बारे में, फिज़िकल चीज़ों के बारे में चर्चा कर पा रहा हूँ। इसका भी मूल्य 90 रुपये है और 40 पेज की ये कहानी है। अगली कॉमिक्स विनाश दूत और रेड स्टार, ये भी पेपर क्वालिटी कवर क्वालिटी सब एक जैसी है। हालांकि बाद वाले जो सेट्स हैं जनरल कॉमिक्स के, उनमें कवर क्वालिटी बहुत ही घटिया है, बहुत ही बेकार कवर यूज़ करे गए हैं। मैं आपको किसी बार उनका जब रिव्यू दिखाऊंगा तो उसमें आपको इस बारे में बताऊंगा। ये भी 90 रुपये की कॉमिक्स है, विनाश दूत की पहली कॉमिक्स है शायद ये, और इसमें भी कहानी 40 पेज की ही है। और लास्ट कॉमिक्स है इस सेट की गगन और मौत का तमाशा, ये शायद गगन की पहली कॉमिक्स है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक कीजिएगा। कथानक बेदी जी का है, चित्रांकन जगदीश पंकज जी का, और ये कहानी भी 40 पेज की है, इसीलिए इसका मूल्य भी 90 रुपये है। डिस्काउंट के बाद मुझे 45 रुपये में मिल गई है, तो बहुत ही बढ़िया डील मुझे ये मिली। चारों कॉमिक्स मुझे 50% डिस्काउंट पर मिली हैं और शुरुआती कॉमिक्स हैं, तो बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन है मेरे कलेक्शन के लिए। अगला सेट है दोस्तों फ्रेंडी। फ्रेंडी जैसा कि सभी कॉमिक्स फैंस जानते होंगे 90s वाले, कि फ्रेंडी एक थ्रिल हॉरर सस्पेंस वाली कहानियाँ हुआ करती थी। फ्रेंडी एक पूरी सीरीज़ है 5 कॉमिक्स की। इसमें ये फ्रेंडी नाम का बच्चा है या गुड्डा है जो कि दहशत मचाए हुआ है। ये सारी की सारी कॉमिक्स आप सीरियल वाइज पढ़ेंगे, खूंखार कहानियों से भरपूर हैं, डरावनी कॉमिक्स हैं। अंधेरे में रात में बैठ करके ना पढ़ें, अंधेरे में तो वैसे भी नहीं पढ़ पाएंगे, रात में बैठ करके ना पढ़ें। कवर क्वालिटी पेपर क्वालिटी अच्छी है दोस्तों, प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है, और ओरिजिनल जिस तरह से आई थी उसी तरह से बनाई गई हैं। हनीफ अजहर जी की कहानी है, चित्रांकन नरेश और जसवंत सिंह नार का है, जबकि इस वाली कॉमिक्स में हनीफ अजहर जी की कहानी और चित्रांकन नरेश कुमार जी का ही है। हालांकि कवर पेज मुझे लगता है कवर पेज अनुपम जी का बनाया हुआ है, लेकिन अंदर के जो चित्र हैं वो नरेश जी ने बनाए हैं। फ्रेंडी 2, इसमें भी वही फ्रेंडी को लेकर के पूरी कहानियाँ चलती रहती हैं, डरावनी कहानियाँ हैं दोस्तों, तो पढ़ करके एक बार अपनी पुरानी यादें ज़रूर ताज़ा करें। बढ़िया कवर, बढ़िया पेपर, अच्छी क्वालिटी में है, और सबसे अच्छी बात यह है कि डिस्काउंट अच्छा मिला है फर्स्ट क्राई के ऊपर, तो इस वजह से इसका मज़ा भी डबल हो जाता है। 70 रुपये हर कॉमिक्स का मूल्य है और मुझे मिली हैं ये सभी कॉमिक्स 35 रुपये ईच में, फ्रेंडी वाली पूरी 5 कॉमिक्स, जो कि एक बहुत ही वाजिब दाम है। इतना दाम अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में भी कॉमिक्स का रख दिया जाए तो भी बहुत सारे ऐसे लोग जो अभी भी कॉमिक्स इंडस्ट्री से दोबारा नहीं जुड़ रहे हैं वो एक बार फिर आकर के इंडस्ट्री में जुड़ सकते हैं और दोबारा से कॉमिक्स खरीदना शुरू कर सकते हैं अगर 35-40 रुपये के रेट में कॉमिक्स आने लग जाए तो। अब ये लास्ट सेट है दोस्तों थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज़ का। थ्रिल हॉरर सस्पेंस की कुछ कुछ कहानियाँ तो बहुत ही गजब हुआ करती थी। एक कटोरा खून और आतंक उनमें से कुछ हैं। एक कटोरा खून तो रीप्रिंट होकर के आई और मैंने उसको लिया भी था, बहुत ही बढ़िया कहानी है, अपने समय में तो बहुत ही ज़बरदस्त कहानी थी, पढ़कर बाहर अकेले घूमने में भी डर लगा करता था। एक और कॉमिक्स थी दोस्तों आतंक, जिसका कि नाम था, अगर आपको याद हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी यादें बताइएगा। आतंक एक बहुत ही डरावनी कॉमिक्स थी, उस समय के हिसाब से बहुत दहशत थी उस कॉमिक्स की, लेकिन वो अभी तक रीप्रिंट नहीं हुई है, जब भी रीप्रिंट होगी मैं उसको ज़रूर खरीदूंगा। अब इस सेट में कुल 9 कॉमिक्स हैं, जी हाँ 9 कॉमिक्स हैं, और एक एक करके बताता हूँ आपको। एक रात के मेहमान, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, कवर बहुत ही बेकार क्वालिटी का आ गया, जिस तरह से इनके कवर फ्लेक्सिबल क्वालिटी वाले थे, ये देखिए इस तरीके के कवर थे, इसमें कवर एकदम मोटा बिना मुड़ने वाला कवर है, अगर थोड़ा सा भी मुड़ गया तो वो कवर बेकार हो जाएगा, एकदम से निशान पड़ जाएगा और वो दोबारा ठीक भी नहीं हो सकता। पेपर क्वालिटी हालांकि अच्छी है, पेपर क्वालिटी में कोई शिकायत नहीं है, प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी है, और यहाँ पर आप देखेंगे जो कैरेक्टर है अमिताभ बच्चन जैसा दिखाई दे रहा है आप देखिए, अगर मैं ही केवल अमिताभ बच्चन समझ रहा हूँ इनको, तो आप मुझे बताइएगा क्या आपको भी अमिताभ बच्चन लग रहे हैं।
कहानियाँ तो थ्रिल हॉरर सीरीज़ की अच्छी हुआ करती थी, और कवर पेज बहुत ही बेकार हैं, बहुत बेकार क्वालिटी के कवर हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जनरल कॉमिक्स के जो सेट नंबर 3 और 4 हैं उसमें भी इसी क्वालिटी के कवर हैं, बहुत ही बेकार कवर हैं। ये भी देखिए, बहुत बेकार क्वालिटी का कवर। पपुआ अपने समय की बहुत बढ़िया कॉमिक्स, बहुत इसके बारे में चर्चाएँ हुआ करती थी, डरावनी कॉमिक्स है, ज़रूर पढ़ें, पुरानी यादें ताज़ा करते रहिए। चमगादड़, इसमें कवर ठीक क्वालिटी का आ गया, कंसिस्टेंसी हमेशा की तरह नहीं है। राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता की आने वाले सेट्स में मौत का स्टेशन, ये भी काफ़ी डरावनी कॉमिक्स थी, मैंने अपने दोस्तों से सुना है, हालांकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है। तरुण कुमार भाई जी का लेखन है, पढ़ूंगा तो आपको एक बार डिटेल में रिव्यू दूंगा, इन सभी की कहानियों के बारे में एक समरी आपको बताऊंगा। दलदल के नीचे अगली कॉमिक्स, पुरानी कॉमिक्स में एक चीज़ बहुत अच्छी होती थी दोस्तों, इनके कवर पेजेस बहुत बढ़िया हुआ करते थे, कवर आर्ट बहुत बढ़िया होता था, और अपने आप में कॉमिक्स के किसी ना किसी पैनल को डिस्क्राइब करता था, कहानी का कुछ ना कुछ पार्ट ज़रूर दिखाता था। जैसे आजकल की कॉमिक्स में होने लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा कैरेक्टर्स को कवर आर्ट में झोंकने की कोशिश करी जाती है, भले ही उसका कोई रिलेवेंस होना हो, लेकिन इन कॉमिक्स में कवर आपको बहुत ही रिलेवेंट मिलेंगे, बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं कवर पे, लेकिन कवर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए नरभक्षी संगीत, बढ़िया आर्टवर्क है, बढ़िया पेपर है, और घटिया कवर है। ओरिजिनल सेट डिटेल्स और ओरिजिनल एड्स आपको ज़रूर मिलेंगे। हाँ, खूनी दर्रा, वही घटिया कवर के साथ और बढ़िया पेपर के साथ। थ्रिल हॉरर सीरीज़ की काफ़ी सारी कॉमिक्स दोस्तों रीप्रिंट हुई हैं, काफ़ी तो मैं ले भी नहीं पाया हूँ। मैंने पहली बार थ्रिल हॉरर सीरीज़ की कुछ कॉमिक्स मंगवाई हैं, बचपन में भी मैंने बहुत ही कम थ्रिल हॉरर सीरीज़ की कहानियाँ पढ़ी हैं, जिनमें से एक कटोरा खून और आतंक कुछ एक नाम है, बाकी बहुत ही कम पढ़ी हैं, क्योंकि मुझे डर ज़्यादा लगता था, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ता नहीं था ये कॉमिक्स। 80 रुपये प्रति कॉमिक्स इनका मूल्य है। खूनी ज़मीन अगली कॉमिक्स है, इसका भी घटिया कवर, बढ़िया पेपर, वही कहानी कंटिन्यू होती हुई, पीछे ओरिजिनल एड्स, महामानव का ऐड है पीछे। तो कुल 9 कॉमिक्स में से एक कॉमिक्स में कवर पेज सही निकला है, बाकी 8 कॉमिक्स में घटिया कवर यूज़ किया गया है। पेपर अच्छा यूज़ किया है, पेपर में कोई शिकायत नहीं है, और 40 रुपये पर कॉमिक्स के हिसाब से ये मुझे वाजिब डील लगती है। ये फ्रेंडी सेट पूरा 35 रुपये पर कॉमिक्स के हिसाब से मिला, खूनी ज़मीन वाला, ये माफ़ कीजिएगा, थ्रिलर और सस्पेंस वाला 9 कॉमिक्स का सेट 40 रुपये पर कॉमिक्स के हिसाब से मिला, और जनरल सेट जो है 45 रुपये पर कॉमिक्स के हिसाब से मिला है, जो कि काफ़ी बढ़िया डील मुझे लगी। आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो, कैसी लग रही है ये कॉमिक्स की जो डील्स आ रही हैं फर्स्ट क्राई की तरफ से और बाकी जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनकी तरफ से, मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन सभी कॉमिक्स को लेकर के आपकी क्या राय है, आपने कौन कौन सी पढ़ी हैं, यदि आपने कोई ऐसी कॉमिक्स पढ़ी है जो कि आपका दिल दहला चुकी है और अब वो आपको पढ़ने को नहीं मिल रही है, तो मुझे ज़रूर बताएं। इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे कुछ और कॉमिक्स के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।